सुप्रभात प्यारे बच्चों आज फिर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों अब आप अपनी हिंदी की अंकुश किताब निकालो पिछली कक्षा में हमने पाठ पंद्रह ये औ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े थे और ये पाठ पढ़ा था जिसका नाम था नौबी की पतंग अब हम उस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे अभ्यास करेंगे पेज नंबर 68 पर तो आओ शुरू करते हैं अभ्यास सब सबसे पहले है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों ये अभी आप काट दो हम अपनी कॉपी में कुछ प्रश्न करेंगे इन्हें हम नहीं करेंगे तो आप इसे क्रॉस कर दो अब आते हैं प्रश्न नंबर दो पे सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए अब देखो ये वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें चॉइस के लिए शब्द दिए हुए हैं इनमें से हमें सही शब्द चुनना है और वाक्य को पूरा करना है को, डैश ने हवा में पतंग उड़ते हुए देखी अब बताओ किसने देखी थी हवा में पतंग को उड़ते हुए किसने देखा था किसने देखा था नॉबी ने लिखो न, ओ की मात्रा ब ई नॉबी किसने देखा था नॉबी ने ख पतंग डैश पर अटक गई अब पतंग किस पर अटक गई थी चंचल पर फौलादी पर या पेड़ पर किसमें अटकी गई पेड़ पर लिखो प -ए पतंग पेड़ पर अटक गई डैश शेर दहाड़ा शेर कैसा था फौलादी कैसा शेर था फौलादी वो क्या करा उसने दहाड़ा लिखो फ आ, फलादी तो फलादी शेर ने क्या करा दहाड़ा उसने दहाड़ मारी थी घ वह डैश पतंग आसमान में लहराने लगी कैसी पतंग थी वो चंचल कैसी थी चंचल च बिंदु च, च ल तो चंचल पतंग थी वो आसमान में क्या कर रही थी लहरा रही थी ठीक है अगला प्रश्न पे आते हैं थर्ड श्रुतलेख लिखिए अब आपको क्या करना है ये पूरा जो वाक्य है यही सेम आपको वाक्य यहाँ पर लिखना है तभी रौनक कछुआ दौड़कर आया यही वाक्य आपको सेम सुंदर सुंदर इस लाइन में लिखना है ठीक है बच्चों ये काम आपको करना है अब बच्चों आप अपनी हिंदी की कॉपी निकालो उसमें आज हम औ की मात्रा के शब्द भी लिखेंगे तो आप सबसे पहले आज की डेट लिखो हेडिंग लिखो औ की मात्रा बड़ी औ की मात्रा तो आपने देखा थे हम कुछ शब्द इसके अब हम इसको लिखेंगे भी तो सबसे पहले इन छोड़ो और पहला शब्द लिखो दौड़ द द के बाद देखो ऐसे डंडा आएगा और यहाँ पे देखो कैसे मात्रा लगाई जाती है ड़ क्या बना दौड़ ये जो है बड़ी ओ की मात्रा है ठीक है क्या पढ़ेंगे दौड़ दौड़ दौड मतलब भागना ठीक है मैंने आज दौड़ में भाग लिया यानी कि रेसिंग में पार्टिसिपेट किया ठीक है अब बच्चों दो लाइन छोड़ो अगला शब्द लिखो पौधा प फिर से ओ की मात्रा ध आ, क्या बना पौधा बच्चों जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं ध के स्कर्फ के ऊपर नहीं लगाते ठीक है पौधा पौधा यानी प्लांट अब बच्चों दो लाइन छोड़ो अगला शब्द लिखो मौका म मौ, फिर से अ की मात्रा क आ क्या बना मौका अब बच्चों फिर से दो लाइन छोड़ो अगला शब्द लिखो खिलौना ख खोटे की मात्रा ल, ल पर बड़े औ की मात्रा ना क्या बना खिलौना खिलौना लो ना खिलौना खिलौना यानी टॉयज आप खेलते हो ना खिलौने के साथ अब बच्चों दो लाइन छोड़ो और अगला शब्द लिखो पकौड़ी प क क पर औ की मात्रा ड ई क्या बना पकौड़ी जो फिर से दो लाइन छोड़ो अगला शब्द लिखो चौकीदार च, च पर औ की मात्रा क क पर बड़ी की मात्रा द आ र क्या बना चौकीदार चौकीदार कौन होता है बच्चों चौकीदार हाँ बच्चों चौकीदार कौन होता है वॉचमैन ठीक है जो हमारे घर को या हमारे आसपास को गार्ड करता है दो लाइन छोड़ो अगला शब्द लिखो नौजवान न न पर अ मात्रा ज न क्या बना नौजवान तो बच्चों आपको ये सारे शब्द सुन्द सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखने हैं फिर से एक बारी पढ़ते हैं सबसे पहले है दौड़ दो दौड़ दूसरा शब्द है पौधा पौधा तीसरा शब्द है मौका मौका अगला शब्द है खिलौना खिलौना न अगला शब्द है प कौड़ी पकौड़ी छठा शब्द है चौकी दार चौकीदार अगला शब्द है नौ ज न नौजवान ठीक नौ है बच्चों तो इस सुंदर सुंदर कार्य अपनी कॉपी में आपको करना है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद